सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने से खाद्य तेलों की कीमत बढ़ने के साथ आमजन का बजट भी गड़बड़ा गया है। मूंगफली के तेल की तुलना में 15 से 20 रुपए कम कीमत वाले सोयाबीन तेल के भाव मूंगफली तेल के बराबर पहुंच गए हैं। वर्तमान में खरेची दुकान पर दोनों तेल की कीमत 174 रुपए प्रति किलो है। इसका कारण भारत में उत्पादित होने वाले सोयाबीन से देश की कुल मांग का 40-50% ही पूरा हो पाता है, वही बाकी बचा खाद्य तेल विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। कीमतों में उछाल के पीछे डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने के भी कारण माना जा रहा है। वहीं यूक्रेन, मलेशिया, इंडोनेशिया सहित अन्य देश भारत को सोयाबीन का रिफाइंड, नॉन रिफाइंड तेल और पाम ऑयल एक्सपोर्ट करते थे, उसकी सप्लाई भी बाधित हुई है। इसके कारण कीमतों में उछाल है। फरवरी के अंतिम हफ्ते में रूस व यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बाद खाद्य तेलों के भाव में उछाल आया है। खबरों के मुताबिक युद्ध बंद होने पर भी यूक्रेन से तेल के एक्सपोर्ट होने में भी अभी काफी समय लगेगा। वहीं कुछ समय पहले सोया तेल 150 से 155 रुपए किलो था, उस समय 5 किलो के भाव 750 से 800 रुपए थे। अब 174 रुपए प्रति किलो का भाव होने से 5 किलो तेल 870 रुपए का हो गया है, यानी 120 रुपए अधिक चुकाना पड़ रहा है। इससे अब इसका असर आम जन की थाली के बजट पर साफ दिख रहा है। युद्ध के हालात ऐसे ही रहे तो कीमतें और बढ़ सकती है। इसी बीच सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सोपा ने खाद्य तेल की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार को सुझाव भेजे हैं। सोपा ने कहा है कि इंडोनेशिया और अर्जेंटीना से खाद्य तेलों के एक्सपोर्ट पर लागू शुल्क को कम करने के लिए सरकार को बात करना चाहिए। तो आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी और अपडेट्स के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।